हेलो मैन, वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एंगुलर मटेरियल ट्यूटोरियल हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये आज हमारा तीसरा पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एंगुलर मटेरियल के थ्रू टूल टिप क्या होता है। टूल टिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है जब भी आप कोई फ्रंट एंड या कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। तो उस समय टूल टिप क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ रहता है जहाँ पर वो बटन रहता है पर आपको एक्चुअल में पता नहीं रहता किसके अंदर है क्या, या इस उसको हमें सजेशन के तौर पे बताना पड़ता है। सपोज माउस ले जाओ, सबमिट का बटन हो, आपको पता नहीं है सबमिट होता क्या है। तो सबमिट के बटन पे अगर हम टूल टिप ऐड कर देंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा बताएगा कि हियर इज़ ए सबमिटेड डेटा, ठीक है। मतलब आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस होवर। जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, कोई भी बॉक्स रहता था, कोई भी इनपुट फील्ड रहता था, कोई बटन रहता था, माउस उस पर ले जाते थे तो तुरंत वहाँ पे एक टाइटल दिख जाता था। तो वही चीज़ हमारे एंगुलर में टूल टिप नाम से है। इसको हम किस तरीके से करते हैं और कितने अच्छे से इसको हम बना सकते हैं, कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये चीज़ आज हम करके सीखने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं और वहाँ देखते हैं टूल टिप होता क्या है, उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें हम APIs कैसे इंटीग्रेट करते हैं और टूल टिप को हम कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंस बना के रखिए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आएगी। एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक छोटा सा छोटा भी चीज़ बताऊंगा और सारी चीज़ क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे होगा। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आपको किस तरीके से टूल टिप बनाना है। उससे पहले मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करने वाला हूँ। प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए मैंने अपने डेटा में प्रोजेक्ट रखा है, एंगुलर मैट नाम से आपको दिख रहा होगा। इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, इसको भी ओपन करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके गिट बैश शेयर पे क्लिक करता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कोड स्पेस डॉट। एंटर करते ही ये आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आपको विजुअल स्टूडियो कोड पर यह पूरा कोड ओपन हो जाए तो सबसे पहले आप सर्व करके देख लीजिए कि अभी तक आपने क्या किया है। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डन करिए या कोई भी सीखिए, कुछ भी चीज़ सीखिए, तो सबसे पहले पिछली चीज़ें जरूर पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि मेमोरी दोबारा रिकॉल कर लेती है, वो चीज़ हमें भूलती नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, पिछले वीडियो हमने सीखा था कि किस तरीके से, एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से बटन लगाते हैं, मेनू बार लगाते हैं, हम बर्ग बटन कैसे यूज़ करते हैं, फेवरेट आइकन्स कैसे यूज़ करते हैं। इट मीन्स एक सिंपल सा डेमो दिया था जिसका नाम था टूल बार। तो आज टूल बार से रिलेटेड ही मैं टूल टिप बताने वाला हूँ एंगुलर मटेरियल में। तो हम यहीं पर एक काम कर लेते हैं, एक HR टैग ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंटर किया, ओके। तो सबसे पहले एंटर करने से पहले हम एक काम करेंगे, ng serv देंगे, तो ng serv -o, ठीक है। मैंने इतना दिया, सर्व लिखो या ngs लिखो, शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपका प्रोजेक्ट वैसे ही वर्क करेगा जैसे करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड टर्मिनल जो होता है वो हमारे कमांड को रीड नहीं कर पाता तो हमारे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम होती है, तो सर्व करने में, बिल्ड करने में प्रोजेक्ट प्रॉब्लम होती है तो एरर दे देता है, तो आप कंप्लीटली कमांड दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि हम आपने ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहे हैं एंगुलर मटेरियल के, तो सबसे पहले उसके सारी चीज़ सिखा दें हम आपको। उस वेबसाइट से जितना भी चीज़ हमें मिलता है उसको पहले बता देते हैं, उसके बाद सारी चीज़ को कस्टमाइज अपने तरीके से बनाना सिखाएं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना URL ओपन करते हैं और यहाँ डालते हैं एंगुलर मटेरियल। ठीक है, ये हमारा मटेरियल एंगुलर, कुछ भी आप लिखिए या एंगुलर मटेरियल लिखिए, आप जो भी लिखेंगे वो रीड यही करने वाला है, ठीक है। तो मैं एंगुलर मटेरियल को ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ गेट स्टार्टेड करना है आपको सिंपली सा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स भी क्लिक कर सकते हैं। गाइड पे जाएंगे तो आपको गाइड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप अपने तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं टूल टिप कहाँ है। ये रहा, ये है टूल टिप, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और हर बार की तरह सेम इसी तरीके से फिर से यहाँ बताऊँगा
देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल तुमको बता दिया था कि टूल टिप पे होता गया है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं माउस ले जाऊँगा इस एक्सेप्ट बटन में, देखो इसमें दिख रहा है इन्फो अबाउट द एक्शन। क्लिक करने पे अबाउट द एक्शन होगा, इन्फो है, एक तरीके का इन्फो है, ठीक है। तो इसको यूज़ करना कैसे बताए थे हम, सिंपली यहाँ पे आपको व्यू कोड का ऑप्शन होगा जो एंगल ब्रेकेट ओपन एंड क्लोज होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है तो इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। सोर्स कोड जैसे आपको मिल गया तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। चाहे आप कंट्रोल वी यूज़ कर सकते हो या राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट तो कर दिया इसको। अब इसके बाद हमें इसकी API भी यूज़ करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी API पे आते हैं और ये रहा हमारी API टूल टिप की, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आना है, ऐप मॉड्यूल पे आना है और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से जस्ट कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अगेन हम इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सेव करेंगे, इसको सेव कर दिए। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एक्शन बटन आ गया, माउस ले जा रहे हैं तो अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ नहीं दिख रहा यहाँ पे, ठीक है। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक तो हो रहा है बट हमें टूल टिप नहीं दिख रहा, तो क्यों नहीं दिख रहा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, वन सेकेंड, कोर पे आते हैं, HTML पे आते हैं और यहाँ पे HTML पे मैं अपने तरीके से इसको चेंज कर रहा हूँ, दिस इज टूल टिप, ओके। और यहाँ पे मैट का लेबल है, टूल टिप है, रिसाइज्ड है, ठीक है, सारी चीज़ ओके है। अब इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं और फिर से ब्राउज़र पे आते हैं और अपने इस पे आते हैं और ये रहा हमारा टूल टिप का ओवरव्यू। ओवरव्यू पे व्यू कोड पे आते हैं और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ TS है, ठीक है। TS का आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है और यहाँ पे HTML है, HTML पे भी कुछ नहीं छोड़ना, आपको जस्ट कॉपी करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए माउस ले जाते ही आपको दिख रहा है दिस इज टूल टिप। तो इस तरीके से एकदम सिंपल और इजी तरीके से आप अपने एंगुलर एप्लीकेशन के लिए टूल टिप बना सकते हैं। यहाँ पे एक्शन लिखा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन देना चाहें उससे रिलेटेड आप दे सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पे आप कोई बटन बनाते हैं डाउनलोड बटन, तो वहाँ पे दे सकते हैं। सपोज मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ, कोड पे आता हूँ और यहाँ पे आपको जो एक्शन लिखा है मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपली डाउनलोड मूवीज, ओके। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑल ऑल मूवीज डाउनलोड ईयर, ओके, और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आता हूँ, अब देखो ये एक्शन का बटन चेंज हो गया डाउनलोड मूवीज नाम से और यहाँ पे सारी चीज़ें अब जब भी माउस आप ले जाओगे तो वो आपके अकॉर्डिंग दिखेगी जो चीज़ आप टूल टिप में डाले हैं। सपोज जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऑल मूवीज डाउनलोड हियर, ठीक है, तो यहाँ पे सारी मूवी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं डाउनलोड का लिंक रहेगा, वहाँ पे जो बैकएंड का काम होता है वो बैकएंड वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंगुलर में टूल टिप यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। मैं इसको इतने सिंपल तरीके से इसलिए बता रहा हूँ, इतने आराम से इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंपोनेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और बहुत ही जल्द प्योर ई कॉमर्स की वेबसाइट वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा इसी एंगुलर मटेरियल पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।